जो हेल्प करे आपकी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने में, पर बैठकर आप काफी सारी मेमोरीज भी तो क्रिएट करने वाले हैं। इस रूम की दो यूएसपी है, आपका रिलैक्सेशन मोड एकदम चालू हो जाएगा। घर की लोकेशन हमेशा वैसी चूज करो जो हेल्प करे आपकी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने में, और ऐसी ही एक लोकेशन है ये तथावड़े। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा और आज हम आपके लिए जो प्रोजेक्ट लेकर आए हैं वो भी तो इसी तथावड़े लोकेशन में आता है। और जब से यहाँ पर WTC और ION IT Park का काम शुरू हुआ है तब से इस लोकेशन की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और यहाँ पर आपको काफी सारे इंटरनेशनल स्कूल और कॉलेजेस के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, जिससे एंड यूजर के साथ साथ इन्वेस्टर्स को भी ये लोकेशन बहुत ज्यादा पसंद आती है। और यहाँ पर जो 2BHK का रेंट चल रहा है वो है 20,000 के आसपास, और जो मुंबई बैंगलोर हाईवे है वो तो आज के प्रोजेक्ट से लगभग वॉकिंग डिस्टेंस की दूरी पर है। लोकेशन के अलावा प्रोजेक्ट की जो दूसरी बड़ी यूएसपी है वो है प्रोजेक्ट के अंदर मिलने वाली 60% ओपन स्पेस, तो प्रोजेक्ट के अंदर आपको मजा भी बहुत ज्यादा आने वाला है। आज का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है फ्री होल्ड लैंड पर। प्रोजेक्ट की बाकी यूएसपी के बारे में हम आपको बताएंगे फ्लैट का टूर करते हुए, तो आ जाइए हमारे साथ। तो अब हम आ चुके हैं 2BHK के सैंपल फ्लैट के बाहर, और जो यहाँ पर आपको डोर्स दिए गए हैं उनकी क्वालिटी काफी प्रीमियम है, प्लस जो हैंडल्स हैं उनकी क्वालिटी भी किसी से कम नहीं है। आ जाइए अंदर, और जैसे ही आप डोर ओपन करते हैं आ जाता है इसका लिविंग रूम, और ये स्पेस एकदम परफेक्ट है रिलैक्सेशन और फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए, और यहाँ पर बैठकर आप काफी सारी मेमोरीज भी तो क्रिएट करने वाले हैं। बात करूं मैं इस लिविंग रूम के साइज की तो ये है 9.11x13.11। इस स्पेस को आप यूटिलाइज कर सकते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के लिए, और जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वो है ये वाला कॉर्नर। इस कॉर्नर को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं रीडिंग कॉर्नर के लिए। अगर आपकी कोई और हॉबी है तो इसे आप एज अ हॉबी कॉर्नर भी यूटिलाइज कर सकते हैं। बालकनी है उस तरफ, आ जाइए। जो ये बालकनी है इसका साइज है 8.1x4, और ये बालकनी 3 साइड कवर रहने वाली है। अगर आपको गार्डनिंग करने का शौक है तो ये स्पेस आपके लिए एकदम परफेक्ट है। आप यहाँ पर काफी सारे प्लांट्स लगा सकते हैं, और अगर आपका चल रहा है वर्क फ्रॉम होम तो आप कुछ इस तरह से सेटअप कर सकते हैं। आपको नीचे दिए गए हैं वुडन फिनिश विट्रीफाइड प्लैंक्स, तो आ जाइए अब डाइनिंग एरिया की तरफ। और मेरे राइट साइड में आपको स्पेस मिल जाती है 7.6x5.5 की, जहां पर आप इस तरह से 4 सीटर डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं, और खाना खाने का असली मजा फैमिली के साथ ही होता है। और आपको प्रोजेक्ट से लगभग 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर काफी सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, तो वीकेंड पर आप वो ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। किचन है इस तरफ, आ जाइए। किचन में आपको मिलते हैं पैरेलल, वो भी ग्रेनाइट के प्लेटफॉर्म। बात करूं मैं किचन के साइज की तो ये है 7.3x8.1। मेरे लेफ्ट साइड में आ जाता है कुकिंग प्लेटफॉर्म, और मेरे राइट साइड में आ जाता है सर्विस प्लेटफॉर्म। 2 प्लेटफॉर्म है, ज्यादा जगह मिलती है, इसीलिए काम करने में कोई हॉचपॉच भी नहीं होगी, और फ्रिज लगाने के लिए मेरे राइट साइड में स्पेस मिल जाती है। और ये घर की वही जगह है जहां पर आपके शेफ स्किल्स एकदम चमक उठने वाले हैं। और जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती है वो है बाहर की तरफ मिलने वाला यूटिलिटी एरिया। बात करूं मैं इसके साइज की तो ये है 4.8x3.2, और यहाँ पर आपको वॉशिंग मशीन का प्रोविजन भी तो मिलने वाला है, तो आ जाइए इसे देखते हुए अपने बच्चों के बेडरूम में। इस बेडरूम का साइज है 10x10, और ये है बच्चों की पर्सनल स्पेस जिसे वो अपनी क्रिएटिविटी से एकदम मैजिकल बना देंगे। जो फ्लैट है वो आपको रॉ ही मिलेगा, ये तो सैंपल फ्लैट है, बट जो इसका इंटीरियर है वो बहुत प्यारा है, तो आप यहाँ से काफी सारे आइडियाज ले सकते हैं। अपना घर लेने के बाद आप अपने घर का इंटीरियर कुछ इस तरह से करा सकते हैं, और आपको अगर बच्चों के लिए लगाना हो स्टडी टेबल तो आप इस कॉर्नर को काफी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। इस स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं बच्चों के लिए बेड लगाने के लिए। और इस रूम की 2 USP है, एक तो आपको मिलती है यहाँ पर काफी अच्छी लेंथ की विंडो
जो आपको देती है एकदम स्टैंडिंग बालकनी वाली फील, और दूसरी है ये एक्स्ट्रा स्पेस जहां पर आप अपने बच्चों के लिए इस तरह से कवर डिजाइन कर सकते हैं। और इसी के ऑपोजिट में तो आता है कॉमन वॉशरूम, उसे भी देख लेते हैं। और मेरे पीछे आ जाता है कॉमन वॉशरूम। जो यहाँ पर फिटिंग्स हैं वो सारे के सारे प्रीमियम हैं। नीचे आपको मिल जाते हैं एंटीज की टाइल्स, तो इसे देखते हुए आ जाइए राइट साइड में जो है आपकी पर्सनल स्पेस। इस रूम में एंटर करते ही आपका रिलैक्सेशन मोड एकदम चालू हो जाएगा। बात करूं मैं इस रूम के साइज की तो वो है 9.11 x 12.5। तथावड़े में आने वाला इयॉन आईटी पार्क हो या फिर हिंजेवाड़ी आईटी पार्क, दोनों को ही इस प्रोजेक्ट से काफी अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है। और आप यहां पर कभी बोर्ड ना हो इसीलिए प्रोजेक्ट के अंदर आपको 60+ प्रीमियम एमिनिटीज मिल जाती है। इस स्पेस को आप यूटिलाइज कर सकते हैं बेड लगाने के लिए। और यहाँ पर जो आपको विंडो दी गई है वो भी तो आपको एकदम स्टैंडिंग बालकनी वाली फील देती है। यहाँ से नेचुरल लाइट भी मिलेगी और बाहर का व्यू भी तो अमेजिंग रहने वाला है। और मास्टर बेडरूम है तो फिर अटैच वॉशरूम भी होगा ही, वो आ जाता है मेरे लेफ्ट साइड में। बात करूं मैं वॉशरूम के साइज की तो वो है 7.3 x 4.2, और यहाँ के भी फिटिंग्स एकदम प्रीमियम ही हैं। तो इसे देखते हुए आ जाइए लिविंग रूम में जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इस प्रोजेक्ट की और डिटेल्स। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट डिटेल्स की। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये प्रोजेक्ट आ जाता है तथावड़े लोकेशन में, और आजकल ये लोकेशन काफी डिमांड में भी है। ये प्रोजेक्ट फैला हुआ है 7 एकड़ के लैंड पार्सल में, जिसमें आपको मिल जाते हैं टोटल 7 टावर, और आपको काफी अच्छी खासी इन्वेंट्री देखने के लिए मिल जाएगी सी टावर में। और जो यहाँ पर बी टावर है उसका लॉन्च आने वाले कुछ ही दिनों में है। यहाँ पर 2 BHK में मिल जाते हैं 2 वेरियंट। 2 BHK का जो मिनिमम कार्पेट है वो है 620 square feet, जो इस सैंपल फ्लैट का भी कार्पेट है। और इसकी प्राइसिंग शुरू होती है 64 lakh rupees से, और यहाँ पर आपको फ्लोर राइज भी देखने के लिए मिलेगा। जो 2 BHK का बड़ा कार्पेट है वो है 702 square feet, और प्राइसिंग शुरू होती है 74 lakh rupees से। और जो इस प्रोजेक्ट का पोजीशन है बाय रेरा वो है June 2027। और प्रोजेक्ट में आप कभी बोर नहीं होंगे क्योंकि आपको यहाँ पर मिल जाती है 60+ प्रीमियम एमिनिटीज। तो अगर आप करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट की साइट विजिट तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप पुणे वेस्ट में रहते हैं और आपके लिए साइट विजिट करना पॉसिबल नहीं हो रहा, आप चाहते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स आपके घर पर आए, पूरा प्रोजेक्ट आपको एक्सप्लेन करें, तो वो सर्विस भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। साथ में हम आपकी मदद करते हैं होम लोन प्रोसेसिंग में भी। अगर आपने अभी भी KDS बिल्डर को इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाइए, अब तो फॉलो कर ही डालिए, और लगे हाथ मेरा इंस्टा आईडी भी फॉलो कर ही डालिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।